बिल्कुल अहिरान बम के मतलब का भेल हम त अरे बौरहवा देखनी गौरा के घाम। पवन भैया को आप लोग बोलते हैं ना ऐसे वैसे। एक बात बताइए, हाथ पे आपके एक टैटू दिख रहा है। के शिव के मनाई। हमारे साथ हेमा पांडे जी मौजूद हैं आरा कुंवर स्टूडियो में, जहां से इन्होंने पहला गाना गाया था, शायद पहला एल्बम यहीं से आया था जी जी। और डेट की थी सुर संग्राम के जो विनर थे मोहन राठौर जी के साथ। हाँ। तो फिर से आरा में आके और यहीं से कंटिन्यू आप काम करती हैं, जबकि आप रहती पटना में हैं। तो पटना में 1000 स्टूडियो है, लेकिन यहाँ से आके काम करना क्या वजह हो सकती है? पहली बात कि जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको मेरी मेरे तरफ से प्रणाम है। और एक जवाब के एक बात बाकी हम मतलब हमारे गांव पड़े ला रहा। अब जब गांव आ रहा है, हम लोग पूरी फैमिली हमारी आई हुई है, और मैं आई थी ब्रह्मपुर दर्शन करने महादेव का, और मेरा फास्टिंग था पहली बार सोमवार का, तो मैं वहाँ दर्शन करने आई थी। तो फिर सावन का गाना मेरा हुआ नहीं था, सारा कुछ रेडी हो गया था, बस रिकॉर्डिंग करना था। तो फिर मैं कुंवर स्टूडियो में आई कि यहीं से रिकॉर्डिंग करना है मुझे, तो आ गई और कुंवर जी मौका भी दे दिए। अच्छा, सबसे पहले सावन का एक गाना हो जाए आपकी आवाज़ से। मेरे लाइफ का जो फर्स्ट एल्बम आया था सावन का ही आया था, अखिलेश भैया लिखे थे कि आयल बा सावन सो मारी के बारी प्यारे देवघर चला, आयल बा सावन सो मारे के बारी प्यारे देवघर चला, जाता रे भाई सब गौआ जवारी प्यारे देवघर चला। बहुत ही बढ़िया गाना। लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि भोजपुरी में अभी सावन के साथ में जो गाना बज रहा है जातिवाद को लेकर के, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब हम क्या ये सब सही है? अब ए पर हम कुछ ज्यादा ना चर्चा करब, लेकिन अतने कहब कि जे जातिवाद करता चाहे यादव पे होके चाहे भगवान पे होके, तो वो लोग अपना आपको पंडित जी समझ जाता, बाकी पंडित जी लोग तेजा बैठ के ऐसे ही इन्हें उन्हें झाल पिटक चलाता लोग। नहीं नहीं, जैसा कि कहा जाए कि भोजपुरी के दो स्तंभ पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार बोले जाते हैं, खेसारी लाल यादव कौन से आप मानती हैं कि नहीं? देखिए मानते नहीं है, कलाकार है बस ये बात है। लेकिन एक बात हम लोग सबसे पूछल चाहते नहीं, हर बात में आप लोग टारगेट उन्हीं लोगों को क्यों लेते हैं? नहीं नहीं, वही वही प्रेरणा है लोगों की जो छोटे नीचे स्टार हैं, बहुत सारे कलाकार जो प्रेरणा वही प्रेरणा मानते हैं, गुरु उन्हीं को मानते हैं, बहुत सारे जो नीचे के कलाकार ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु अभी हैं, बहुत सारे लोग हैं है, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा सुनने जाने वाले वही है भोजपुरी में। जैसा कि एक अभी विवाद चल रहा है कि पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार का गाना आया है, पावर स्टार पवन सिंह जी का सावन का गाना है ए भोले बाबा, उसी बीच में खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है कि अहिरान बम, और काफी लोग ये गाना का विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या राय? बिल्कुल अहिरान बम के मतलब का भेल हम त कन्फ्यूजे बने, लेकिन ए पर हम ज्यादा चर्चा नहीं की कल चाहत। अब गावे वाला, लिखे वाला, बजावे वाला आ सुने वाला के दिमाग के ऊपर बात। तो आपका विचार क्या है, हम लोग आपका विचार जानना चाहते हैं, गाने वाला सुनने वाला अपना अपना विचार लोग देगा, लेकिन आपका विचार पर्सनल विचार क्या है? बस यही है कि सही नहीं है अहिरान बम, सही नहीं है। हाँ, भगवान है भाई, भगवान का नाम लीजिए, बहुत बा शंकर जी के गाना बा, ओकरे के थोड़ा सा चेंज कर करके आप लोग गाइए ना, ये जरूरी नहीं बहुत पुराने को गाना रहे कि बड़ बौरहवा देखनी गौरा के घरवा डरवा लागे माई रे राजा हिमाचल के देखनी दुआरावा डरवा लागे माई रे। तो इस गाने को भी हम लोग बहुत तरीके से गा सकते हैं, तो थोड़ा सा जब आपके अंदर क्वालिटी है, और बहुत सारी पहले से बहुत मतलब हमारे म्यूजिक में भी बहुत सारी चेंजेस आया हुआ है, तो आप लोग भी इस चीज़ को चेंज करके थोड़ा अलग वर्जन में गा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम अहिरान पंडितान भगवान गाई। भोजपुरी में तो आजकल नया दौर चल रहा है, भोजपुरी में सलमान खान बनने का शौक चढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग मतलब कंपटीशन चल रहा है कि भोजपुरी के सलमान खान कौन, आपके हिसाब से आप बताइए। ये सब चर्चा में हाथ जोड़ते हैं। देखिए हेमा जी, ये सब बातों से मतलब कोई तुक नहीं बनता है हम लोगों का भी। हाँ। लेकिन जनता जो जानना चाहती है, आप भी भोजपुरी से रिलेट करती हैं। हाँ। और भोजपुरी में जैसे कि सब चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पूछ लेते हैं, लेकिन आप किस वजह से इन सब चीजों से बचना चाहती हैं, या आपकी एक क्या अनुधारणा है इसके ऊपर? हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का काम है पूछना जी। अब मैं इसलिए कि मुझे ना जातिवाद करना है,
क्योंकि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, सब लोग सुनते भाई हमार गीत तो सब लोग सुनेला। कहीं हम इंस्टा पे यूट्यूब पे सब जगह कमेंट्स हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि पब्लिक का क्या राय आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ मेरी गलती हो रही है, उस चीज़ को हमें सुधारना है। ये चीज़ें मैं बहुत नोटिस करती हूँ। और कलाकार के पहली बात कि कोनो जातिवाद ना हो, मतलब कोनो जात ना होला, और सबको लेके चलना है भाई। भोजपुरी है, सब लोग हमरा के सुनेला, सब लोग हमरा के प्यार देला, सब लोग सपोर्ट करेला, तो बस अपन लेके चलेगा। हमारा के का करो तो वो चक्कर में हमारा निकल। कहने का मतलब है कि लगातार जो भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, गाना गाते हैं उनका गाना नहीं चलता है, लेकिन जातिवाद पे आते हैं उनका गाना कहाँ से कहाँ चला जाता है, इस पे आप क्या कहिए? तो ये मत देखिए आप लोग कि वो जातिवाद गया है तो सब सुन रहे हैं लोग, वो चीजों को वहाँ जाते हैं, वो ये मत देखिए आप लोग कि वो जातिवाद गया है तो सब सुन रहे हैं लोग, वो चीजों को वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं कि का जातिवाद पे गई कोई कलाकार गाया है, इसी पे व्यूअर्स जाते हैं, इसी पे कोई जो उनके कास्ट के होते हैं लाइक कमेंट। एक बात बताइए, हाथ पे आपके टैटू दिख रहा है, उस टैटू का क्या राज है? पहले तो वही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वो शायद आदित्य लिखा हुआ है ऐसा ये आपका नाम हो सकता है, ये हमारा पर्सनल है। देखिए अब यहाँ तक पर्सनल वहाँ तक होता है, जब मान लीजिए कि वो दिखता नहीं, हर कोई को दिखेगा, आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे वो नाम दिख रहा है। हाँ, तो जब नाम दिखा है तो आप लोग भी समझ ही सकते हैं, बताने की समय आएगा तो पता चल जाएगा तुरंत जल्दी। कुंवर जी भी कुछ बोलने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं कुंवर जी? बोलिए कुंवर जी का। देखिए इंटरव्यू जो होता है हम लोग का चटपटा थोड़ा सा होता है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। कब से देखा जाए ध्यान तो उसी पे लोगों को चला जा रहा है। हाँ, अगर कोई वीडियो भी देखेगा तो कैमरा चल रहा है तो वो तो आपका टैटू दिख ही रहा है। ऐसे हाथ करने पे बिल्कुल टाइम दीजिए थोड़ा सा, जब आप लोग इतना वेट किए हमारे सावन गाने का, और भी इसका भी थोड़ा सा। सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि आज का जो दौर है भोजपुरी में सब लोग बहुत तरह के गाने गाते हैं, आप पारंपरिक गीत गाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी उस तरह के गाने का ऑफर आएगा, मान लीजिए किसी भी कलाकार के साथ, तो क्या वो गाना आप गाएंगी या नहीं? ना 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 ना, ये उम्मीद मत रखी जरूर सब। हम कोई असली गावे के रहता, हेमा पांडे 4 साल पहले गा के हाईलाइट भई रहते, ठीक बा, लेकिन 4 साल इतना मेहनत से हेजा तक आयल बनता, आज हमारे पारंपरिक बाजल बा। और रउआ सब भी देखा था नहीं कि आज हमारा गैला से, हमार बहन के गैला से बहुत ही चेंजेस आज बताए कि बहुत लोग स्टेज पे खड़े होकर पारंपरिक को गाते हैं और हमारे गाने को गाते हैं, कपड़े से लेके बोलने का तरीका से लेके डांस वगैरह सब चीज में चेंजेस आए हुए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब इतना बदलाव आये तो पूरा भोजपुरी में। आपका पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ एक इंस्टाग्राम पे फोटो देखने को मिला है जो कि सावन के सेट पे वो फोटो है, क्या एल्बम आने वाला है? नहीं, सावन का एल्बम नहीं आने वाला है, लेकिन हमारी बात हुई है और बहुत जल्द कुछ नया होगा, लेकिन पारंपरिक ही तरह पारंपरिक ही आएगा, क्योंकि पवन भैया को आप लोग बोलते हैं ना ऐसे वैसे, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग जनता में बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, सच में वो बहुत अच्छे, बहुत मतलब जितना बोले जाए बहुत अच्छा गाते हैं वो। और भैया हमें हर साल कुछ नया लाते हैं, थोड़ा बहुत हो ही लेकिन नया लाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस बार भी कुछ नया ही हो हम लोग के साथ में, ही पारंपरिक के ही तौर पे नया हो। फिल्म में सब लोग चला गया था, पवन सिंह चले गए थे, खेसारी लाल यादव भी चले गए थे, लेकिन वापस फिर आगे सब लोग एल्बम में मार धक्का कर ले कि लोग जब मूवी में चला गया था, लोग खेसारी लाल यादव जी हो गए या फिर पवन सिंह जी हो गए, सब लोग मूवी कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग एल्बम की तरफ भागे आ गए? होगा कुछ इतना तो, अभी हम फिल्म तक नहीं पहुंचल, हमारा मौका मिलल नहीं अभी फिल्म तक के, फिल्म तक के मौका मिली हम भी जाएं, हम भी देखा। अच्छा, सिंगिंग के लिए जाएंगे कि एक्टिंग के लिए जाएंगे? ना ना, सिंगिंग के लिए, एक्टिंग हती ना, एक्टिंग हती हेमा पांडे के भगवान अभी बनैले निखन, अगर वैसा समय आता है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं कैमरे के सामने खड़ी हो सकती हूँ तो मैं जरूर एक्टिंग करूंगी, ऐसा बात नहीं।